सभी को लेट्स लेन आर टू डेज प्रैक्टिस एजुकेशन के साथ साथ फैमिली बिजनेस को कैसे समझें क्योंकि बच्चा छोटा ही है 2011 बॉर्न है और उनके पेरेंट्स का क्वेश्चन आया है कि पढ़ाई में उसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है और पेरेंट्स एक लंबे टाइम से फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं तो क्या बच्चा फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकता है आगे फ्यूचर में क्या वो उसके लिए सही रहेगा और एक जनरल एजुकेशन उसको क्या दिलाई जाए क्योंकि ट्वेल्थ तक अगर एजुकेशन ले उसके बाद डायरेक्टली वो ज्वाइन करे तो आज के जमाने को देखें तो उसको एजुकेशन लेना भी बहुत जरूरी है तो उसके चार्ट को देख के समझते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है चलिए स्टार्ट करते हैं आई एम शेयरिंग विद यू द स्क्रीन देखिए चार्ट सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिएगा मेल चार्ट है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेंबर टू थाउजेंड इलेवन थ्री फोर्टी टू पीएम यानी शाम के तीन बज के बयालीस मिनट पुणे महाराष्ट्र सबसे पहले ओवरऑल एक व्यू ले, ले लेते हैं चार्ट का समझ लेते हैं कि क्या क्या परेशानी हमको इस चार्ट में दिखती है क्या एजुकेशन में प्रॉब्लम दिख रही है या बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम है परेशानी है कहाँ उसके बाद फैमिली बिजनेस को लेकर चलेंगे तो अभी तो क्योंकि 2011 का जन्म हुआ है बच्चे का तो बहुत ज्यादा इसकी एज नहीं है अभी 12 साल का बच्चा है अभी तो इसकी स्टडीज मेन स्टडीज अब स्टार्ट होंगी आगे अभी ये 12 इयर्स ओल्ड है तो अभी से उसको थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है तो क्या आगे वो डिस्टर्बेंस स्टडी में उसका कंटिन्यू रहेगा या वो सॉल्व आउट हो पाएगा इसको समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले देखेंगे लग्न लग्नेश और कारक जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी चार्ट को देखने के लिए लग्नेश की पोजीशन नाइन्थ हाउस में लग्न पर एक मंगल का प्रभाव है और केतु की दृष्टि है कारक सूर्य को देखें तो वो भी लग्नेश के साथ नाइन्थ हाउस में अब नाइन्थ हाउस पर सबसे ज्यादा अधिक ग्रहों का प्रभाव है है ना लग्नेश और कारक भी दोनों नाइन्थ हाउस में है यानी शनि और सूर्य दोनों एक साथ नाइन्थ हाउस में है और हमेशा कहा गया है कि लग्नेश और कारक की युति को अच्छा बताया गया है अब आप ये मत सोचिएगा कि शनि के साथ सूर्य है शनि के साथ सूर्य है उसका रिजल्ट अलग होगा यहाँ मुझे लगन का रिजल्ट चाहिए तो लग्नेश के साथ कारक है उसका रिजल्ट अलग है यहाँ आपको रिजल्ट क्या चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ग्रहों की युति या उसका प्रभाव को कैसे समझे लग्न लग्नेश कारक मैंने देखा उसके बाद आते हैं चंद्रमा के ऊपर कि बच्चे का मन क्या कहता है तो मैंने देखा कि चंद्रमा मेरा स्थिर राशि में है ठीक है ना ये फिक्स साइन हो गया और चंद्रमा अष्टम में भी है इसका मतलब कहीं ना कहीं जिद्दी जो उसके माता पिता ने बताया कि लापरवाह भी है और वो जिद भी पकड़ लेता है एक बार जो सोच लेगा तो फिर उसी को करेगा तो तो आप इजीली फिक्स साइन है उसे समझ सकते हैं है ना लगन में भी देखू तो मकर राशि है यानी कि ये भी पृथ्वी तत्व की राशि है है जातक के अंदर सौम्यता क्योंकि लगन में राशि सम है लेकिन ये जो पांच नंबर राशि है ना सिंह राशि ये कही कहीं ना कहीं जिद्दी और एज के अकॉर्डिंग भी जिद आती है हर एज में एक एज ऐसी होती है कि जहां हमारी अपने आप समझदारी बढ़ती है एक एज ऐसी होती है कि जहां छोटी छोटी बात पे हम जिद करते हैं अब यहाँ पे दशाओं का भी इफेक्ट होगा क्योंकि दशा मुझे शुक्र की मिल गई तो मुझे सारी लग्जरी चाहिए इस एज में आके और शुक्र देखे तो शट बल में सबसे वीक है शुक्र किसके साथ है शनि के साथ है सूर्य के साथ है यानी दो अशुभ ग्रहों के तो साथ है और केतु की दृष्टि है योग होना एक अलग बात है वो नाइन्थ हाउस में जो योग है उसका फल मिलेगा लेकिन पर्टिकुलर शुक्र का पीड़ित होना उसे हम अलग देखेंगे तो यहाँ जो नाथ है उसने मेरा और कैसा क्रिएट किया कि उसने मुझे बिल्कुल लापरवाह बना दिया पैसे की कमी हमें नहीं लगता कि माता पिता को भी कभी पैसे की कमी रही होगी चार्ट को देख के इट मीन्स कि मुझे जब सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं मेरी सारी बातें मानी जा रही हैं तो वो जिद और वो लापरवाही मेरी और बढ़ सकती है और वो भी एज के अकॉर्डिंग क्योंकि जन्म ही मेरा केतु की दशाओं में हुआ है आखिरी दशा केतु की ऑलमोस्ट आखिरी दशाओं में जन्म हुआ था केतु गुरु में रहो यानी थोड़ी बहुत केतु की दशाएं मैंने अपनी लाइफ में निकाली दो साल उसके बाद तो मुझे शुक्र की ही दशा मिली ठीक है ना उसके बाद आगे हम देखेंगे कि सिर्फ एक राहु का प्रभाव यानी एक ग्रह का प्रभाव है कारक को देखें तो कारक चंद्रमा अष्टम में है यानी चंद्रमा का अष्टम में जाना और चतुर्थ के कारक का अष्टम में जाना तो यहाँ कहीं ना कहीं मन से भी हमारा एक जगह स्थिर मन को रखें इसमें भी दिक्कत है जिद्दी होना राशि के अकॉर्डिंग अलग है मन को स्थिर रख पाना ये अलग चीज है फिर चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह की पोजीशन देखें तो गुरु प्लेस है गुरु मेरे वर्तमान चार्ट में मूल त्रिकोण का प्रभाव विशेष रखता है हर ग्रह तो गुरु की मूल त्रिकोण ट्वेल्थ हाउस में स्थित है यानी ट्वेल्थ हाउस का मूल त्रिकोण लेके गुरु फोर्थ में है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब जरूर करेगा हालांकि वो एक शुभ ग्रह है तो बहुत अधिक प्रभाव नहीं देगा लेकिन यहाँ अगर सारे प्रभावों को देखा जाए क्योंकि यहाँ मेन प्रभाव मुझे दशा का मिला मुझे लापरवाही की बात हुई है ना वो शुक्र हमेशा लापरवाह बनाता है क्योंकि जहाँ आपको लग्जरी ज्यादा मिलने स्टार्ट हो गई और आपकी इच्छाएं बहुत अधिक हो गई तो लापरवाही का आना स्वाभाविक है और बच्चा तो अभी छोटा है तो वो इस बात को समझेगा नहीं हमारी आपकी उम्र में अगर शुक्र की दशा आए तो मे भी हम इतने लापरवाह ना हो जितना एक बच्चा अपनी एज में हो सकता है तो ये आपने पढ़ाई को लेके समझा लेकिन क्या आपको लगता है कि बिल्कुल ये ट्वेल्थ के बाद पढ़ाई ही ना करे ऐसा चार्ट भी मुझे ये देखने में नहीं लगता क्योंकि नाइन्थ हाउस में अगर मैं देखूं तो लग्नेश धनेश नाइन्थ लॉर्ड यानी नव टेंथ लॉर्ड सॉरी दशमेश नवमेश ये सब ग्रहों की युति तो कहां पे है नाइन्थ हाउस में और नाइन्थ लॉर्ड भी साथ में है इट उस यानी भाग्य भाव तो बहुत बलवान हो गया भाग्य से मुझे बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि भाग्येश भी भाग्य भाव में प्लेस्ड है और बाकी सब अच्छे स्थानों के स्वामी यानी कोई छठे आठवें बारहवें का स्वामी नहीं है सूर्य की राशि आठवें में है लेकिन सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता लेकिन थोड़ा प्रभाव जिसको बोलते हैं ना थोड़ा सा प्रभाव रखना वो प्रभाव वो जरूर रखेगा लेकिन दोष नहीं लगेगा विशेष हानि वो यहाँ पे नाइन्थ हाउस में बैठ के नाइन्थ हाउस की हानि नहीं करेगा ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रोडिक्शन में एक अच्छा प्रोडिक्शन करने में बहुत हेल्प करेंगे तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्योंकि अभी बच्चा कम से कम बीस साल तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी बीस या इक्कीस साल तक तो अभी 2011 हजार है तो अगर हम आगे एज के अकॉर्डिंग देखें तो पूरी शुक्र की दशा शुक्र की दशा मेरी 2033 में खत्म होगी यानी पूरी शुक्र की दशा में मेरा मुझे फिफ्थ हाउस का भी रिजल्ट चाहिए होगा अभी तो सिर्फ फोर्थ का चाहिए आगे फिफ्थ का भी चाहिए मुझे रिजल्ट तो हमारी सलाह माता पिता को क्या होगी ये आप समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि क्या वो फैमिली बिजनेस कर सकता है अब उसके लिए देखिए चार्ट में क्या क्या देखना होगा क्या लग्नेश का कोई रिलेशन 9th लॉर्ड के साथ है क्या 10th लॉर्ड का कोई रिलेशन 9th लॉर्ड के साथ है क्या लग्नेश और 10th लॉर्ड का कोई रिलेशन 9th लॉर्ड के साथ है क्या 10th लॉर्ड का और सूर्य का और लग्नेश का कोई रिलेशन है क्या सेकंड हाउस से कोई रिलेशन है सेकंड का 10th का 9th का या सूर्य का कोई रिलेशन है क्योंकि पारिवारिक बिजनेस को तो वहीं से देखेंगे है ना या तो पिता का अपना बिजनेस हो वो हमने देखा हाउस से या परिवार से चलता आ रहा हो मेरा बिजनेस उसके लिए second भी लेंगे तो यहाँ मैं देखती हूँ वही मेरा शनि लग्नेश भी है टेंथ लॉर्ड मेरा नाइन्थ लॉर्ड और मेरा सूर्य ये सारे नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड हैं और आगे जो मुझे बीस इक्कीस साल के बाद दशा मिलेगी वो मुझे सूर्य की दशा मिलेगी तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ सूर्य की दशा है यानी पिता से संबंधित सरकार से संबंधित अब भाग्य भाव में प्लेस्ड है तो भाग्य स्थान का फल करेगा तीसरे स्थान का फल करेगा और जो शुक्र ने मुझे लापरवाही दी है वो सूर्य की दशाओं में, में मेरा डिसिप्लिन और मेरी जिम्मेदारी बनेगा ठीक है ना मेरा बिहेवियर मेरा और भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा अब अब इस एज में बच्चे को बोलेंगे कि उठो सुबह जल्दी ये काम करो थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी भी समझो जो वो नहीं करेगा एक तो एज भी और एज को भी छोड़ें क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एज में भी करते हैं तो यहाँ दशा का प्रभाव भी कहीं ना कहीं रहेगा तो आगे सूर्य की दशा ऑब्वियसली इसे बिजनेस की तरफ अः चार्ट हमारा बिजनेस की तरफ इंडिकेशन देता है सूर्य की दशा में तो यहाँ बोल सकते हैं आप इजीली कि सूर्य की दशा में जा तक पिता का बिजनेस ज्वाइन कर सकता है और पिता का बिजनेस ज्वाइन करना उसके लिए अच्छा ऑप्शन होगा लेकिन हमें एक अच्छी एजुकेशन लेना भी जरूरी है ठीक है ना क्योंकि चार्ट के लिए चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन बिल्कुल खराब नहीं है फिफ्थ के लॉर्ड लौ, की पोजीशन अच्छी है कारक गुरु की पोजीशन अच्छी है सिर्फ एक केतु और राहु स्थित है शुक्र की दशा है वो मुझे डिस्टर्ब करती है अब हमेशा बोला गया है कि भाव से ज्यादा भावेश और भावेश से ज्यादा कारक तो अगर मैं कारक को लग्न बना के देखू तो ये देखिए कारक गुरु से सारे ग्रह अशुभ प्रभाव ऑलमोस्ट एक शुक्र को छोड़ दें तो सारा अशुभ प्रभाव छठा आठवां या दूसरे स्थान में आता है इट मींस कि लाइफ में कितनी भी प्राप्ति हो एक संतुष्टि मेरे अंदर नहीं रहेगी वो मुझे गुरु की प्लेस प्लेसमेंट और उसके कितना उसका उससे छठे आठवें बारवा उसको प्रभावित करेगा है ना उससे चतुर्थ में मंगल है छठे आठवें में अशुभ ग्रह है दूसरे में अशुभ ग्रह है जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि लगन से छठा आठवां बारवा भाव खाली हो तो ज्यादा अच्छा तो यहाँ मुझे गुरु से रिलेटेड अगर रिजल्ट चाहिए हायर एजुकेशन का रिजल्ट चाहिए सेटिस्फेक्शन लेवल चाहिए तो वहां कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा अपना नेचर भी हमें सूर्य की दशाओं में क्योंकि मुझे बिजनेस फैमिली का संभालना है पिता के साथ मिलके काम करना है तो अपना जो एक मेरा जिद्दी स्वभाव है ना उसको चेंज करने की जरूरत होगी आप अपने जो स्टाफ है जो मेंबर्स हैं उससे किस पर किस तरीके से डील करते हैं यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर का बिजनेस है पिता का तो उसमें तो आपको दिन रात स्टाफ से स्टाफ से डील करना सीखना ही पड़ेगा आपके मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं फाइनेंशियल नॉलेज आपको कितनी है तो ये सारी चीजें भी आपको आगे समझनी होंगी उसके लिए बेसिक एजुकेशन की जरूरत है आप करियर निर्धारण की अगर बात करें हम क्योंकि यहाँ थोड़ा सा करियर निर्धारण को लेकर चलना होगा फिफ्थ हाउस की एजुकेशन का और करियर का आपस में अगर निर्धारण की बात पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो कोई कनेक्शन नहीं है इसको मैं आपको आगे क्लियर करूंगी सबसे पहले आप करियर निर्धारण करते हैं उसके बाद आप फिफ्थ वाला एजुकेशन लेते हैं जिसको मैं हायर एजुकेशन बोलते हूँ कभी आपने ऐसे देखा कि ट्वेल्थ हो गया चलो एमबीबीएस कर लेते हैं आगे बनना तो मुझे इंजीनियर है ऐसा तो कभी नहीं हुआ सबसे पहले आप सोचते हैं कि मुझे आगे हाँ डॉक्टर बनना है फिर आप ग्रेजुएशन में नीट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या फिर आप फिफ्थ से रिलेटेड एजुकेशन लेंगे तो इतनी आएगा पहले टेंथ हाउस उसके बाद फिफ्थ हाउस आएगा टेंथ हाउस के लिए अगर हम देखें तो टेंथ हाउस मेरा खाली है तो सिंपल रूल सूर्य चंद्रमा और लग्नेश में से जो बलवान तो यहां मैं देखती हूँ सूर्य चंद्रमा और लग्नेश शनि यानी शनि ही बलवान है तो लगन से मैं गणना करूंगी में तुला राशि स्थित है तुला राशि का स्वामी हुआ शुक्र शुक्र मेरा बुद्ध की राशि में स्थित है यानी करियर निर्धारण जो ग्रह मेरा है वो बुद्ध हुआ आगे आने वाली दशा किसकी है सूर्य की और पत्रिका में बलवान ग्रह क्या है मंगल अब मेरे पास तीन ऑप्शन हुए करियर निर्धारक ग्रह मेरा हुआ बुध आने वाली दशा का प्रभाव सूर्य और सबसे बलवान ग्रह मंगल यानी मंगल का प्रभाव हमेशा मेरी लाइफ में रहेगा। एग्रेशन जल्दबाजी में काम करना स्टाफ को संभालना तो संभालने के तरीके में कहीं ना कहीं मंगल का इफेक्ट जरूर दिखाई देगा ठीक है करियर निर्धारण के लिए मेन प्लेनेट आता है सूर्य बुध और आगे दशा है सूर्य यानी हम जातक को बोल सकते हैं कि इनको मैनेजमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी करनी चाहिए उसके बाद ये बिजनेस में जा सकते हैं एक बेसिक नॉलेज भी भी होगी और अगर जॉब करना चाहेंगे उस फील्ड में तो क्योंकि बिजनेस को तो समझेंगे पहले है ना सम क्योंकि अभी एज एकदम जाना बिजनेस में ठीक है लेकिन सबका अपना तरीका होता है कि मैं उस बिजनेस को कैसे रन करूं तो यहाँ एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा कुछ टाइम हम जॉब करते हैं तो हमें भी एक आदत होगी हमारा गुस्सा भी कम होगा कि मैं कहीं जॉब करने के लिए जाऊंगा तो मैं भी लोगों को फेस करूंगा तो सबसे पहले भले ही कुछ सालों के लिए लेकिन कोशिश ये हो कि हम अच्छी एक एजुकेशन लें फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड उसके बाद हम अपना बिजनेस ज्वाइन करें तो हमारे अंदर एक समझ भी अच्छी होगी तो ये आपको क्लाइंट को कैसे समझाना है उसके स्टार्ट का पूरी स्टडी करने के बाद इजिली आप बोल सकते हैं सूर्य के साथ शनि है आपस में पटेगी नहीं लेकिन सूर्य के साथ शनि है वो किस भाव का स्वामी है आपको रिजल्ट क्या चाहिए सबसे पहले आप ये देखेंगे जिद्दी स्वभाव है वो अड़चन दे सकता है यहाँ पे सूर्य के साथ शनि अड़चन नहीं देगा वो पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है सूर्य के साथ शनि है बुद्ध है तीनों दोषों को देता है तो वहां हेल्थ एक अलग चीज हो जाएगी आपस में विचारों का मतभेद एक अलग चीज है शुक्र की दशा है शुक्र का बल कम है अब आप कहेंगे चंद्रमाष्टम में है सप्तम का स्वामी हो गए शुक्र पीड़ित है तो परेशानी कहाँ आ रही है मेरे चार्ट में क्या सप्तम में परेशानी है अगर सप्तम में रोज की चिक चिक होगी तो मैं मेंटली परेशान हो सकता हूँ तो एक ही चार्ट में क्या क्वेश्चन आया है और उसको कैसे हम समझे ये सारी चीजें हमें आगे समझनी होंगी और इसको हम धीरे धीरे ईजिली समझ पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेशन और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा डिफरेंट होगा है ना नॉर्मली तो जैसे आप सब समझते हैं भाव भावेश कारक से लेकिन अकेला ग्रह को कैसे समझें और देश काल परिस्थिति को समझे कैसे एक अच्छा ज्योतिष जो है वो एक अच्छा उपाय उपाय आप इसमें क्या करा सकते हैं देखिए उपाय की चर्चा गुरु जी ज्यादा करते नहीं है उपाय की जगह कार्मिक रेमेडीज की चर्चा अगर की जाए तो वो ज्यादा बेटर है कि अभी से ही हम एक सुधार लेके चले तो मे भी आगे हमारे लिए बेटर हो तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा नमस्कार बहुत